student. In this module, we are going to take overview of our course. My dear students, let me first congratulate that we have successfully completed this course. हमने ये जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स जो है वो कम्प्लीट कर लिया है. तो इस कोर्स में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. मैं अब उन सब चीज़ों को तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, मगर लेट्स हैव एन अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन दिस कोर्स. इन दिस कोर्स वी फर्स्टली टॉक्ड अबाउट द ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च. यानी हमने सबसे पहले ये देखा कि सोशल रिसर्च होती क्या है, अल्टरनेटिव्स टू सोशल रिसर्च क्या है, यानी एक शख्स जो है वो नॉलेज गेन और कौन कौन से सोर्सेज से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द सोशल रिसर्च. इसके बाद हमने एंटोलॉजीज़ पे बात की कि हमारे यहाँ जो है एंटोलॉजीज़ क्या हैं सोशल रिसर्च की, रियलिज्म क्या है और ऑब्जेक्टिविज़म क्या है, सब्जेक्टिविज़म क्या है. इसके बाद हमने एपिस्टेमोलॉजीज़ को डिस्कस किया कि पॉजिटिविज़म क्या है और एम्पिरिसिज्म क्या है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया. और इसके बाद हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक देखा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्रोसेस क्या है. इस कोर्स में हमने डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस पढ़े क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के, जिसमें हमने सर्वे रिसर्च को पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ा, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ा, फिर हमने इसमें कंटेंट एनालिसिस को पढ़ा और एंड पे हमने इसमें मिक्स मेथड को भी एज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ा. तो ये सारे रिसर्च डिज़ाइंस हमने जो है इस कोर्स में स्टडी किए हैं. इसके अलावा हमने इस कोर्स में सैम्पलिंग प्रोसीजर के ऊपर बात की, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर बात की, और हमने ये देखा कि जो मेजरिंग यूनिट्स होते हैं जैसे स्केल्स होते हैं, लिकर्ट स्केल क्या है, गटमैन स्केल क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है, और सैम्पलिंग में हमने फिर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया. ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने डेटा एनालिसिस टेक्निक्स सीखी इस कोर्स के अंदर कि आप जब डेटा ले आते हैं तो उसको हम SPSS में एंटर कैसे करते हैं, एंटर करने के बाद हम उसको एडिट कैसे करते हैं, और एडिट करने के बाद हम उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस क्या है, और फिर हम उसमें ग्राफ्स कैसे बनाते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालना सिखाया, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कट और सिस्क निकालना बताया और ग्राफ्स बनाना सिखाए. इसके बाद इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हमने पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दोनों को पढ़ा. हमने इसमें कोरिलेशन पढ़ा, हमने इसमें काय स्क्वायर पढ़ा, टी टेस्ट पढ़े, हमने इसमें अनोवा पढ़ा, हमने गैमा पढ़ा, हमने इसमें क्रैमर वी को पढ़ा, और हमने फिर रिग्रेशन को भी पढ़ा, यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है इसको पढ़ा, और फिर हमने इसके बाद फैक्टर एनालिसिस के ऊपर भी बात की. आखिरी जो एलिमेंट था इस कोर्स का, जो सेक्शन था, मॉड्यूल था, वो रिपोर्टिंग का था. हमने जो एनालिसिस किए, हमने फिर ये देखा कि इनको APA फॉर्मेट के मुताबिक कैसे रिपोर्ट करते हैं, इनके टेबल्स कैसे बनाते हैं, और इनका टेक्स्ट जो है APA फॉर्मेट के मुताबिक किस तरह लिखते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर्स को कैसे फॉलो किया जाता है APA फॉर्मेट में, तो वो भी हमने इसमें देखा. तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है हमारे कोर्स का. मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स जब आप इसको देखेंगे और इसको मॉड्यूल्स को सुनेंगे तो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी समझने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई कंसर्न हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कंसर्न हो तो आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं. तो आई होप सो दैट के दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल इन द प्रोसेस ऑफ योर लर्निंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट.